हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप लोग देख रहे हैं ज़िंदगी कैप्चर्ड। जनाब, आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट अवेटेड जो टॉपिक है, जो आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, मैं आज उसी को वापस दोबारा लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्री का जो ये वाला एसी है, इसके रिमोट के फंक्शंस, और इस रिमोट के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। जिन लोगों के पास भी ये वाला एसी अवेलेबल है, उनको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक एक फ़ीचर जो रिमोट के अंदर अवेलेबल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कम्प्लीटली ये सारे के सारे फंक्शन समझ में आ जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के पास कौन सा एसी है और उसकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो जनाब, ये है इस वक्त ग्री का 1.5 टन वाला एसी, ठीक है, और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 18,000 BTU। अमूमन 1.5 टन के जो एसीज होते हैं उनकी कूलिंग कैपेसिटी 18,000 ही होती है, और ये है इसका इस वक्त रिमोट। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी 28°C का टेम्परेचर चल रहा है, और सामने एसी के ऊपर भी जो है वो 28°C का ही टेम्परेचर चल रहा है। मैंने इसको जो सेट पॉइंट दिया हुआ है वो कमरे में इस वक्त 28°C मेंटेन करेगा। तो अब हम इसका ज़रा रिमोट का फंक्शंस वगैरह को देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके सारे के सारे फंक्शंस जी। तो ये है इसका ऑन ऑफ बटन, ये है इसका मोड बटन, प्लस माइनस, फैन, डायरेक्शन ऑन ऑफ, टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ। ये बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एसी को एक मखसूस टाइम के लिए ऑन ऑफ करें तो आप ये फ़ीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लॉक फ़ीचर जो है, ये इस वक्त रिमोट के अंदर जो आपका टाइम आ रहा है उसको सेट करने के लिए, इसके अंदर सेट नहीं हुआ हुआ, और इतना कोई एज सच ये बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इन्होंने ये फ़ीचर दिया। ये एक्स फैन जो है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बहुत अच्छा फ़ीचर है। टेम्परेचर, लाइट, स्लीप, टर्बो। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं मोड से। तो इस वक्त ये देखें, आपको ये मोड नज़र आ रहा है, ये जो निशान बना हुआ है जहाँ पे मेरा इस वक्त अंगूठा है, ये है इसका कूलिंग मोड। इसके अंदर एसी का कंप्रेसर चल रहा होता है और वो कमरे में कूलिंग कर रहा होता है। तो ये अगर मैं मोड के बटन को दोबारा प्रेस करता हूँ, ये देखें ये ड्रॉप्स बने हुए आगे, मैंने ये प्रेस किया तो ये देखें ये एसी के ऊपर भी इस वक्त वही आ गया है, ठीक है। इस फीचर का जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अगस्त जुलाई के मिड में या अगस्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, हब्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हब्स जो है वो बेसिकली मॉइस्चर का हवा के अंदर बढ़ जाने की वजह से होती है। तो अगर आप ये ड्राई मोड को ऑन करते हैं तो ये आपके कमरे में जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। आप इस फीचर को ऑन करें तो क्या होगा कि एसी जो है वो इस सारे मॉइस्चर को पहले लिक्विफाई करेगा, और उसके बाद जो एसी का जो ड्रेन पाइप होता है आउटडोर यूनिट के पास जो निकल रहा होता है, वहाँ से सारे मॉइस्चर को रिमूव कर देगा। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके कमरे में जो हब्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये अगर हम दोबारा करते हैं तो ये आ जाता है फ़ैन मोड। इसके अंदर आपका एसी जो है वो फ़ैन के ऊपर आ जाता है और इसके ऊपर सिर्फ फ़ैन चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला मोड करते हैं, ये जो हीटर होता है ये इसके अंदर ऑन होता है। इस मॉडल के जो एसी है जो मेरे पास है इसके अंदर हीटर नहीं है, लेकिन ग्री के काफ़ी सारे मॉडल्स के अंदर हीटर होता है। तो जिन भी मॉडल्स के अंदर ये हीटर होता है, ये आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये ऑटो मोड होता है। इस ऑटो मोड के अंदर क्या होगा कि आपका एसी ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा, लेकिन आप इसके अंदर ये प्लस माइनस से टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये एक ख़ास हद तक खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन रखेगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बिजली के यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी कम कंज्यूम होते हैं। ये फीचर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं फ़ैन के ऊपर। ये फ़ैन का बटन है और ये इस वक्त फ़ैन जो है वो ऑटो पे है। हम इसको दोबारा अपना नॉर्मल प्रीवियस पोजीशन पे ले जाते हैं। ये देखें इस टाइम पे फ़ैन के आगे ये 3 बार्स बने हुए हैं।
तीन बार्स का मतलब ये है कि इस वक्त फ़ैन जो है वो फुल स्पीड पे चल रहा है। अगर आप फ़ैन का बटन दबाते हैं दोबारा तो ये इस टाइम पे ऑटो पे हो गया। ऑटो के ऊपर फ़ैन की स्पीड एसी ऑटोमेटिकली ख़ुद से एडजस्ट करेगा और इससे आप जो है बिजली भी बचा सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर एसी की स्पीड को ख़ुद से एडजस्ट नहीं कर सकते, ये ऑटो पे आ जाता है। अगर आप दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये एक बार आ गया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त एसी का जो फ़ैन है वो अपने मिनिमम स्पीड पे है। फिर सेम इसी तरह दूसरी मरतबा प्रेस करते हैं तो ये मीडियम स्पीड पे आ जाता है और तीसरी मरतबा पे ये फुल स्पीड पे आ जाता है। ये जो है ये है एसी के विंग्स की डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली मूव करवाने के लिए। इस वक्त मेरे एसी की जो है वो डायरेक्शन एक जगह पे सेट हुई हुई है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ये प्रेस करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसके ऊपर साइन आ गया और आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये भी अब मूव करने लग गया। ये देखिए ये भी मूव करने लगा है। जहाँ पर आप अपनी इसकी डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं आप वहाँ पे इसको दोबारा प्रेस कर दें तो ये आप ये देखें यहीं पे ये रुक गया। फिर सेम इसी तरह ये इसका क्लॉक है, ये क्लॉक आप देख सकते हैं ये इस वक्त एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, मैंने इसको टाइम इसके ऊपर सही नहीं आ रहा। अगर आप इसके ऊपर क्लॉक का बटन दबाते हैं तो ये आप ये देखें इसका टाइम जो है अकॉर्डिंग टू जो क्लॉक के ऊपर जो आपका चल रहा है टाइम आप इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया हुआ। सेम इसी तरह ये है टाइमर ऑन, ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका एसी एक मखसूस टाइम के लिए ख़ुद ब खुद स्टार्ट हो जाए और ख़ुद ब खुद बंद हो जाए तो आप इस फीचर को टाइमर ऑन टाइमर ऑफ का आप फीचर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि टाइमर ऑन कि किस टाइम पे एसी अपना टाइमर ऑन करे, अपना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, तो आप यहाँ से वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह 8 बजे मैं चाहता हूँ कि एसी खुद ब खुद ऑन हो जाए तो ये खुद ब खुद यहाँ पे इस वक्त ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि किस वक्त ऑफ हो, सुबह 8 बजे चलने के बाद दोपहर को या शाम को, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि 4:30 बजे ये बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे करके ये टाइमर ऑफ का बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ ये इस टाइम पे हो जाएगा कि किस टाइम पे ये खुद ब खुद ऑफ हो जाए और किस वक्त खुद ब खुद ऑन हो जाए। जी तो अब हम चलते हैं इसके एसी की सबसे अच्छे फीचर के ऊपर, एक्स फैन। एक्स फैन बेसिकली ग्री ने जो है वो अपना एक फ़ीचर किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ये इसके ऊपर ये बना हुआ आ गया, ये बेसिकली जब आप एसी ऑफ करते हैं तो उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए इसका फ़ैन चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि एसी के अंदर जितना भी मॉइस्चर है ये मॉइस्चर को ड्राई करेगा और उसके बाद अपने आप को ऑफ करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मॉइस्चर एज सच एसी के अंदर रहता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जर्म्स की और काफ़ी सारे बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ हो जाती है, और फिर जब आप एसी ऑन करते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके घर में उसी तरह स्प्रेड होता है। तो ये उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ताकि आपको साफ़ हवा मिले, ये फ़ीचर आप अगर ऑन कर देते हैं तो जब भी आप अपना एसी ऑफ़ करेंगे ये थोड़ी देर के लिए फ़ैन को चलाए रखेगा और फिर उसके बाद ऑफ़ होगा। जब आपका एसी इंटरनली ड्राई हो जाएगा तब ये अपने आप को ऑफ़ करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल फ़ीचर है। सेम इसी तरह ये टेम्परेचर, अगर आप बटन दबाते हैं तो ये आपको आपके जो रूम के अंदर करंट टेम्परेचर होगा वो आपको बताएगा कि आपके रूम में इस वक्त टेम्परेचर कितना है, ये आपको बताएगा। सेम ये टर्बो जो है, ये टर्बो अगर आपको लगता है कि गर्मी ज़्यादा है तो आप ये टर्बो फीचर अगर आप ऑन करते हैं तो इस फ़ैन की स्पीड के अलावा फ़ैन और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। यहाँ से तो आप अपने फ़ैन की स्पीड मैक्सिमम 3 बार्स तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप टर्बो फीचर ऑन करते हैं तो एसी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेगा और आपको ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ये है इसका स्लीप मोड। ये स्लीप मोड जो है ये भी इन्होंने इसके अंदर ऑटोमेटिक एक फंक्शन रखा है। अगर आप स्लीप मोड ऑन करते हैं, ये देखें आप देखें यहाँ पर ये चांद सितारे बने हुए आ गए हैं, और ये आपको बेसिकली रात के वक्त काफ़ी यूज़फुल फीचर है, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ देर के बाद ज़्यादा कूलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती,
इसी वजह से हमें अक्सर ब्लैंकेट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये स्लीप मोड ऑन करते हैं तो ये एसी आपको फील भी नहीं होने देगा और अपनी कूलिंग को कम ज़्यादा खुद ब खुद एडजस्ट करता रहेगा। और इस तरह से क्या होगा कि आपकी एक तो बिजली की भी बचत होगी, सेकेंडली आपको जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये। तो अगर आप ये स्लीप मोड ऑन करते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि एसी अपने आप को ख़ुद से एडजस्ट करेगा और आपकी नींद काफ़ी पुरसकून रहेगी। सेम इसी तरह ये लाइट वाला फ़ीचर है, ये आप देख सकते हैं ये एसी के ऊपर इस वक्त लाइट ऑन है, ये 28 लिखा हुआ है और साथ में इसके एक ये बना हुआ है, साइन बना हुआ है कंप्रेसर ऑन होने का, मतलब कूलिंग मोड का ये निशानदेही कर रहा है। अगर आपको ये रात के वक्त ये लाइट डिस्टर्ब करती है कमरे के अंदर तो आप ये लाइट वाला बटन दबाएंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कुछ लोग जो हैं वो इतनी सी लाइट भी कमरे के अंदर अगर आ रही हो तो उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, तो ये अगर आप करते हैं तो आपका एसी बिल्कुल अपनी सारी एलईडीज ऑफ कर देगा, तो इससे आपकी नींद में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये थे सारे के सारे इस रिमोट के फंक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ज़रूर पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।